हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार, अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की यह सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न मेथड्स तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई, सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूँ अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। टॉपिक, अपने टॉपिक का नाम है अवकलन। अपने टॉपिक का नाम है अवकलन। ये कलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे अंग्रेजी में डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है, डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। दोस्तों, अवकलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिकी और गणित के क्षेत्र में अवकलन का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं बात करूं, यदि अपन को वेग निकालना है तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करके वेग प्राप्त किया जाता है, और यदि अपने को त्वरण निकालना है तो वेग जो होता है उसका समय के सापेक्ष अवकलन करके अपन को एक्सेलरेशन यानी त्वरण की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उसी प्रकार से अपने गणित में भी अवकलन का बहुत यूज है। अवकलन को हम करने वाले स्टार्ट, सबसे पहले अवकलन को प्रदर्शित कैसे करते हैं और उसके कुछ महत्वपूर्ण बेसिक सूत्रों को आज जानेंगे। उसके आगे इनकी प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक और ब्रह्मास्त्रों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे स्टोरियों के माध्यम से, बातों के माध्यम से गणित पढ़ा रहा हूँ। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कब तो मैं पढ़ा रहा हूँ और कब दोस्तों मैं आपसे बातें कर रहा हूँ।
आपको तो लगेगा बातें ही कर रहे हैं, लेकिन बातों ही बातों में मैं अपना टॉपिक भी आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अवकलन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अवकलन के अंदर सबसे पहले अपन कुछ फॉर्मूला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, क्लास को करते हैं अपन स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ कुछ सूत्र, अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करने वाला हूं। तो अवकलन, अवकलन, इस अवकलन के कुछ सूत्र दोस्तों मैं करवाने वाला हूं, आपको पहले बताने वाला हूं। देखिए यहां पर अवकलन, जैसे मान लो y है, तो y का अवकलन करने के लिए, जैसे y है इसका अपन अवकलन करना चाहते हैं, तो इससे क्या कैसे कैसे सबसे पहले बताना चाहूं कि कैसे कैसे इसको दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है। तो सर्वप्रथम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy/dx, ये अवकलन को प्रदर्शित करने का तरीका है। या फिर इसको ऐसे y डैश, ये y के ऊपर ये डैश लगा दे तो ये भी अवकलन होता है। एक डैश लगाए तो ये प्रथम अवकलन होता है, दो डैश लगाए तो ये द्वितीय अवकलन होता है। लेकिन क्या प्रथम अवकलन होता है, क्या द्वितीय, ये अपन आगे बात करने वाले हैं। तो ये y डैश लिख दूं या इसको y1 लिख दूं, चरणों में एक लिख दूं, इसका मतलब भी अवकलन दोस्तों होता है। या फिर मैं बड़े dy लिख दूं, इसका मतलब भी अवकलन होता है। d मतलब डिफ्रेंसिएशन, y मतलब y का अवकलन, y1 मतलब y का प्रथम अवकलन, y डैश का मतलब y का अवकलन, dy/dx का मतलब भी अवकलन। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे दोस्तों f(x) है तो इसका अवकलन करेंगे तो अपन df(x) भी लिख सकते हैं, अपन इसको f(x) भी लिख सकते हैं, f(x) भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अवकलन के कुछ सूत्रों का अध्ययन मैं आपको करवाने वाला हूं सबसे पहले, और सूत्रों को भी इस हिसाब से मैं आपको याद करवाऊंगा कि आप कभी जिंदगी में भूल कर भी नहीं भूलोगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर, अवकलन के सूत्रों पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, तो सबसे पहले अपन कुछ सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही सूत्र बता रहा हूं दोस्तों, सूत्र बताने जा रहा हूं दोस्तों, ओनली वही सूत्र बता रहा हूं जो बेसिक सूत्र है, याद है, फॉर्मूले कहा जाता है, सूत्र कुछ बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला नंबर पर लाता हूं d/dx of x^n, यानी x^n, x यहाँ वेरिएबल है, n यहाँ कोई संख्या, तो इसका अवकलन कैसे किया जाता है दोस्तों। d/dx of x^n का अवकलन होता है, ये जो घात होती है ये आगे आ जाती है, आगे आ जाती है n, ये x^n-1 एक कम घात हो जाती है, और यहाँ दोनों डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन है दोस्तों। x^n का अवकलन n(x^n-1) होता है। इसको मैं याद करने का तरीका मैंने ऐसे बना रखा है कि ये x है, मान लो कोई मंजिल है, इस पे ऊपर n जने बैठे हैं, मान लो एक मास्टर है, एक अध्यापक है, बाकी सब विद्यार्थी है। अब वो अध्यापक का पढ़ाया जैसे वो समझ में नहीं आ रहा, तो मान लो बच्चे उसे बाहर फेंक दे, ये रोड पर फेंक दे, तो ये तो आ गया एक n, और यहाँ पर एक कम हो गया n-1। ऐसे कभी करना नहीं चाहिए, मैं ये बातें कह ही इसीलिए रहा हूं कि आपको याद रह सके। तो जो घात होती है वो यहाँ आ जाती है, और एक कम घात यहाँ पर दोस्तों आ जाती है। और आपको एक बात और बताऊं कि अवकलन में हमेशा ये घात एक कम होती है, अवकलन में जैसे या n घात थी, देखो या n घात थी, तो या n-1 घात, अर्थात एक घात कम हो गई है। दूसरा, और बात करूं आगे दूसरे में, तो देखो दूसरी चीज है d/dx of, यहां पर लिख देता हूं मैं e^x, और एक और लिख देता हूं इसके जैसा ही, तीसरा वाला d/dx of, मतलब मैं d/dx किसका, वो वाला लिख रहा हूं e^x। ये दोनों के दोनों चर घातांकी फलन है, जो दूसरे नंबर और तीसरा नंबर सूत्र लिख रहा हूं वो चर घातांकी वाले सूत्र है, अर्थात इसके चर है वो घातांक में है, इसलिए इनका नाम चर घातांकी फलन दोस्तों कहा जाता है। तो मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, देखो
एक ही घात x का करना चाहूं तो एक ही घात x का मैं भी करना चाहूं, पहले इसका करता हूं तो इसका होता है ax log a, बेस कुछ नहीं है अर्थात e है, तो ax log a, इसका ex का ex। सर सर क्या हुआ? सर आपने बोला था कि ये दोनों चर घातांकी है। हाँ, ये दोनों चर घातांकी फलन है, तो सर इसका तो ax log a हुआ, इसका ex ही हुआ, log नहीं आया। देखिए, जैसे भाटा की पावर x है तो भाटा की पावर x log भाटा आता है, या भाटा की जगह e है अर्थात ex log e आएगा, log e आएगा, और बेस भी e है, log e का मान एक होता है, अतः मैं इसको हटा देता हूँ। मतलब log e का मान एक होता है तो एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पर log e नहीं लिखा, क्योंकि log e का मान एक होता है। इसलिए चर घातांकी का अवकलन ex का अवकलन ex, एक ही घात x का अवकलन एक ही घात x log a। अब मैं चौथा फॉर्मूला आपके सामने ला रहा हूँ, ये है d बाई डी एक्स ऑफ log x। इसको कहा जाता है लघु गणकीय फलन, इसको कहा जाता है दोस्तों लघु गणकीय फलन। अर्थात लघु गणकीय फलन का अवकलन क्या होता है? लघु गणकीय log, देखो लघु का काम होता है अपने को गिराना। लोग सदैव ऐसे बातें करते हैं कि ये सक्सेस नहीं हो सकता। लोग आजकल दुनिया में लोग मोटिवेट कम करते हैं और एक दूसरे को गिराते ज्यादा है, नीचे ज्यादा ले जाते हैं, लोग गिराते हैं। तो ये x को, यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँ, ये x को ये लोग गिराना चाहते हैं अर्थात एक बटे एक्स। देखो गिरा दिया ना नीचे, तो log x का अवकलन एक बटे एक्स दोस्तों होता है। इसके आगे के सूत्र दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आगे के सूत्र के बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। देखिए, चार सूत्रों के बाद में पांचवा सूत्र अपन पढ़ने वाले हैं, तो ये चौथा कौन सा है? ये चौथा है लघुगणकीय फलन। चौथे की बात करूं दोस्तों तो चौथा लघुगणकीय फलन है, ये लघुगणकीय फलन है। और ये आपका कौन सा फलन है दोस्तों? ये आपका सबसे पहला पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, और दूसरा और तीसरा चर घातांकी फलन है, चौथा लघुगणकीय फलन है। मैं क्यों बता रहा हूं? इसकी जल्दी ही जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, अब एक अचर फलन होता है तो d बाई dx ऑफ कभी भी कोई भी अचर आए, अचर को c से लिखूं या किसी से भी लिखूं, अचर आए k से या c से, किसी से भी लिखूं, अचर का अवकलन शून्य होता है, अचर का अवकलन शून्य होता है। अब दोस्तों मैं और बात करना चाहूं आपके साम अंडर रूट एक्स, लेकिन मैं इसका बाद में ले लूंगा। तो पांच ये चीजें हो गई। अब मैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों पर आता हूं, ये है अचर फलन, तो ये अचर फलन। अब मैं छठवें से त्रिकोणमितीय फलनों पर आता हूं। त्रिकोणमितीय फलन, छह प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन की जानकारी हमें है, एक साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, टैन एक्स और कोट एक्स दोस्तों। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं d बाई dx ऑफ साइन एक्स। फिर सातवां लिखता हूं, अगला d बाई dx ऑफ क्या दोस्तों? कोस एक्स। अब अगला लिखता हूं आठवां, d बाई dx ऑफ टैन एक्स। अगला लिखता हूं, नौवे नंबर पर लिखता हूं d बाई dx ऑफ कोटेक्स, या सेक एक्स भी लिख सकता हूं, है ना? पहले सेक एक्स लिख देता हूं, जिससे कि क्या कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे समझाने में सही रहेगा, क्योंकि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, तो उसको हिसाब से मैं सेक एक्स लिख देता हूं। दसवें नंबर पर आता है कोसेक एक्स, तो d बाई dx ऑफ यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, d बाई dx ऑफ कोसेक एक्स। और लास्ट में लिख देता हूं 11 नंबर पर d बाई dx ऑफ क्या बच गया? एक कोट एक्स, तो यहां पर लिख देता हूं कोट एक्स। देखिए
सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले साइन एक्स और कोस एक्स, त्रिकोणमितीय फलनों में सबसे पहले साइन एक्स और कोस एक्स दोस्तों आए, यानी उनको ट्रिग्नोमेट्रिक में फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है, मूलभूत त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में वो लोग आए हैं, फिर बाकी इन्हीं की सहायता से बने हैं। अर्थात हम कह दे कि दो ही दुनिया में थे, साइन एक्स और कोस एक्स। सपोज करो साइन एक्स के पास सब्जी है लेकिन चपाती नहीं है, और कोस एक्स के बाद चपाती है परंतु सब्जी नहीं है। तो सब्जी चाहिए चपाती वाले को, चपाती वाले को सब्जी, सब्जी वाले को चपाती चाहिए, तो दोस्तों वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। अर्थात मैं कहना चाहूंगा कि जो साइन एक्स है, जो साइन एक्स है ये इसका उत्तर आ जाएगा कोस एक्स, ये कोस एक्स से कुछ लेगा और कोस एक्स का उत्तर आ जाएगा साइन एक्स। इतना सा ऐसे याद रखे, चिन्ह भी कुछ आएंगे लेकिन वो बाद में मैं एक स्पेशल ट्रिक के साथ दोस्तों बता दूंगा। अब बाकी ये आठ जने हैं, जो छह के बाद आठ से आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां नंबर चार जने हैं, वो इनसे बने हुए हैं, अर्थात बनावटी है और इनसे मूलभूत त्रिकोणमितीय फलनों से बने हैं, अर्थात वो दो दो से बने हैं, उसके उत्तर दो दो में आएंगे, यानी या तो दो घात में होगी या अलग अलग होंगे तो गुणा में होंगे। कैसे? टेन एक्स का उत्तर आने वाला है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का उत्तर आने वाला है, टेन एक्स का उत्तर आने वाला है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का उत्तर आता है सेक एक्स टेन एक्स। देख लीजिए दोस्तों सेक एक्स और टेन एक्स गुणा में है, और ऊपर वाले में sec square x का मतलब दो जने हैं, sec x गुणा sec x। अब cosec x में चलते हैं, cosec x में भी दो जने आने वाले हैं, अर्थात cosec x गुणा cot x, cosec x गुणे cot x, और cot x में आने वाले हैं cosec square x, cosec square x। अब मैं आपको बताऊं, जिसमें tata है ना tan और cot दोनों में tt है, इसमें अलग अलग आएंगे बट स्क्वायर वाले आएंगे, और sec और cosec दोनों में sec sec है, जिसमें sec sec है उसमें दो तो आएंगे परंतु वो अलग अलग आएंगे, और sin का cos cos ये इसके लिख दिए। अब ओनली चिन्ह यानी sin का लफड़ा रहा है। मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात बताता हूं, आप सब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, आप सब ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं, इसीलिए उसी के ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूँ। कुत्ते को जब अपन मारते हैं तो वो को 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 करता है, अर्थात वो ध्वनि उत्पन्न करता है को 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 की। तो मैं देखूं, देखना किधर है, अवकलन वाली साइड यानी डिफ्रेंसिएशन वाली साइड देखना है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ को का साउंड आना चाहिए, बोलते हैं तब स्टार्टिंग में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं देखूं छठवें को साइन 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 को की साउंड नहीं आ रहा तो प्लस उत्तर आएगा, तो प्लस उत्तर आएगा। अब सेकंड में देखो कोस एक्स को की साउंड आ रही है, अर्थात ये माइनस में उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर माइनस साइन एक्स आएगा। अगला टेन, टेन में को का साउंड नहीं आ रहा, अर्थात ये प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस के साइन को लगाने की जरूरत नहीं है मगर माइनस का साइन यानी माइनस का चिन्ह लगाना आवश्यक है। अब देखिए माइनस का चिन्ह लगाना आवश्यक है तथा इसके साथ ही बराबर और प्लस या माइनस में लगा रहा हूं तो देखो कोष्ठक का प्रयोग किया, दो साइन आपस में लड़ते रहते हैं, अर्थात उनमें से किसको सरल करें, दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, उनको अलग अलग अर्थात आइसोलेट करने के लिए ब्रैकेट गणित की जिंदगी में आया है। अब अपन आगे चलते हैं sec x में। अब बताइए मुझे sec x वाले में बताओ sec x में को की साउंड आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो प्लस उत्तर आ जाएगा, ये प्लस उत्तर आ जाएगा। अब यू बताओ cosec x को की साउंड आ रही है, अर्थात नेगेटिव आएगा यानी माइनस cosec x गुणे cot x। अगला d बाई डी एक्स ऑफ cot x यानी को का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब को है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो दोस्तों इसको सरल करने के लिए मैं यह माइनस का चिन्ह लगा देता हूं। तो ये 11 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, आप इनको एक बार फिर देख लीजिएगा, मैं आपको देखो याद करवा देता हूं थोड़े से।
आपको याद करवा देता हूं दोस्तों। देखिए मैं ये बात करूं कि ये जो है ये क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है दोस्तों, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन का सूत्र क्या, एक्स एन का सूत्र है एन गुणे एक्स की पावर एन माइनस वन। अब मैं बात करूं ई एक्स का अवकलन का सूत्र चाहिए आपको, तो ई एक्स का सूत्र दोस्तों ई एक्स ही होता है, तो ई एक्स का सूत्र ई एक्स ही होता है। अब बात करूं एकीघात एक्स का अवकलन, तो उसका उत्तर होता है एकीघात एक्स लोगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक्स और ई एक्स दोनों चर घातांकी फलन है, लेकिन एक्स लोगे आया, ई एक्स में लोग इसलिए नहीं आया क्योंकि लोग ई का मान एक होता है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बेस ई है। लॉग एक्स की बात करूं, देखिए यहाँ पर लॉग एक्स की बात करूं तो ये लॉग एक्स में, ये लॉग एक्स की बात करूं तो ये लॉग एक्स का अवकलन 1/x आया, लॉग एक्स का अवकलन दोस्तों ये 1/x आया। अब अपन चलते हैं अचर फलन पर, तो बताइए अचर फलन का अवकलन क्या, अचर फलन का अवकलन शून्य होता है। मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए कि वापिस आपको याद रहे दोस्तों। अब साइन एक्स का अवकलन क्या है बोलिए, साइन एक्स का अवकलन मन में बोलिए, भाई बैठे बैठे घूर क्या रहे हो मुझे, है ना, बोले अपने मन में बोले तभी पढ़ाई होगी दोस्तों। साइन एक्स का अवकलन है कोस एक्स प्लस कोस एक्स, साइन के साथ चिन्ह के साथ बोले। कोस एक्स का अवकलन क्या, तो कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स है, तो कोस एक्स का अवकलन क्या दोस्तों माइनस साइन एक्स है। अब बात करें टेन एक्स का, तो देखिए दोस्तों टेन एक्स का अवकलन की बात करता हूं तो टेन एक्स का अवकलन है प्लस सेक स्क्वायर एक्स, प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ये जब आपको पूरी तरह से याद सूत्र हो जाएंगे तो प्रश्नों में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब बात करूं sec x का, तो देखिए दोस्तों sec x का अवकलन क्या, प्लस के sec x गुणे tan x, ये याद कीजिएगा। अब अगला बात करूं cosec x का, तो cosec x का क्या माइनस cosec x cot x, माइनस क्यों आया, क्योंकि अवकलन साइड cosec x है और co की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, अर्थात वो कुत्ता है इंसान नहीं है, तो उसमें माइनस आएगा। cot x cot x को की साउंड आ रही है इसलिए माइनस का चिन्ह और cosec square x इसका अवकलन। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए, ये इसके अवकलन है। और मैंने एक चीज यहाँ और बताई, आपको पता हो तो मैंने एक चीज यहाँ बताई है, इसको मैंने क्या बताया दोस्तों, ये बहुपदीय फलन है, ये काम आने वाले इसलिए सिखा रहा हूं, ये चर घातांकी फलन है दोनों, ये लघुगणकीय फलन है, ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके अचर फलन है, और ये सारे के सारे दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन है। इसके अलावा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये छह और बचते हैं लेकिन इनको बाद में लूंगा, पहले इन पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाला हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज सिखाने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखिए, मैं जब प्रश्न कराऊंगा तो उनमें फलनों को गिनवाऊंगा, तो आप फिर देख लेना एक्स की घात एन क्या है बहुपदीय फलन है, ये क्या बहुपदीय फलन है, ये दोनों के दोनों क्या है चर घातांकी फलन है, ये लघुगणकीय फलन है, ये अचर फलन है, और ये सारे छह के छह क्या है दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन, और साइन इनवर्स एक्स वाले वो छहों के छहों क्या है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो इनको काम में लूंगा, इसलिए मैंने इतनी बार दोस्तों बोला है। अब मैं चलता हूं आगे, कुछ गुणधर्म आपको बताने वाला हूं, तो आगे चलते हैं गुणधर्म बताने के लिए, तो कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म बताने वाला हूं, गुणधर्म प्रॉपर्टीज को कहा जाता है, तो कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं किसकी, अवकलन की, तो कुछ अवकलन की प्रॉपर्टीज आपको दोस्तों मैं बताने वाला हूं। देखिए जैसे एक फलन एफ एक्स है, एक फलन अपना जी एक्स है, तो मैं काम करता हूं जी छोटा ले लो बड़ा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं कह रहा हूं कि इसको मैं u ले लेता हूं लिखने के लिए, देखो छोटा होता है ना इसलिए, इसको मैं v ले लेता हूं, v ले लेता हूं,
ताकि मैं गुणधर्मों में एफएक्स जीएक्स लिखने में अपनी एनर्जी समय और इस पेन की स्याही बर्बाद ना करूं, इस मार्कर की स्याही बर्बाद ना करूं, इसलिए यूवी रहता है तो छोटा ले लिया ताकि लिखने में आसानी रहे। पहला गुणधर्म मैं बताना चाहता हूं कि डी बाई डीएक्स हो यानी अवकलन, दो उपलन जब योग में हो जैसे यू प्लस वी, अर्थात मैं कहना चाहता हूं दो उपलन एफएक्स और जीएक्स योग के रूप में हो और उन दोनों का एक साथ अवकलन किया जाए तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, बहुत ही बेसिक से मैं ले रहा हूं और स्टैंडर्ड की ओर बढ़ रहा हूं। तो देखिए अलग अलग हो जाएगा, अर्थात डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं दो नंबर पर चलू जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ मैं कहूं यू माइनस वी, मान लो ये यू है ये माइनस का वी है तो क्या होगा, इसमें भी ये अलग अलग हो जाएंगे, फर्क भी कुछ नहीं है, फर्क बस चिन्ह का, फर्क बस सोच का, सीढ़ियां ना गिन, है ना, सबर कर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखना डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, देखो ये डी बाई डी एक्स दोनों के भीतर चला गया, बस यहाँ पर प्लस का चिन्ह था यहाँ पर माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो प्लस आएगा या माइनस है तो माइनस आएगा। अब तीसरा कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यू गुणे वी यानी यू डॉट वी, डॉट मतलब गुणे, कैसे करते हैं इसको करने के लिए, एक है जैसे u है जैसे गुणे v का अवकलन यानी डी वी एक्स के सापेक्ष से तो डी वी बाई डी एक्स, प्लस का चिन्ह, प्लस क्यों इसकी भी कहानी थोड़ी देर में बताऊंगा, इंतजार तो करिए है ना, और सांस लेते रहिएगा खुश रहिए। देखो पूरी सृष्टि में इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, तो आप स्माइल करते रहिएगा और हंसते मुस्कुराते हुए इस क्लास को देखिएगा तभी आपको मजा आने वाला। तो ये प्लस क्यों आया, कुछ भी चीज याद नहीं करवाऊंगा तो ये क्यों आया उसका भी कारण बताऊंगा। देखो यहाँ यू और वी का अवकलन कर दिया तो इस बार वी है जैसे और यू का अवकलन, भाई क्या हुआ, पहले यहाँ पर यू है जैसे यहाँ यू है जैसे और वी का अवकलन, फिर वी का अवकलन होगा, यू नाराज हो गया बोला वी तुमने तो तेरा अवकलन करा लिया मेरा अवकलन कौन करेगा, तो बोला इस बार वी तुम है जैसे आ जाओ यू को अवकलन कराने दो, बोला राजी, बोला हाँ, तो बोला प्लस का साइन था तो मिलकर चलो जिंदगी में, और इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों अब मैं इसको अलग फॉर्म में लिखूं तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, छोटे रूप में डी यू बाई डी एक्स को यू डैश लिख सकता हूं, यू डैश जैसे वाई डैश लिखता था वैसे, और डी वी बाई डी एक्स को वी डैश लिख सकता हूं, ये छोटा हो गया, यहाँ यू डैश माइनस का चिन्ह है और वे वी डैश, इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इसको लिख सकता हूं मैं यू वी का अवकलन यानी वी डैश प्लस 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 वी यू डैश, तो एक बार यू का अवकलन एक बार वी का अवकलन बीच में प्लस का चिन्ह। अब इसी प्रकार से एक भाग वाला भी है वो सिखा देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। देखो ये मैंने छोटे रूप इसीलिए बताए हैं ताकि तुम्हें उसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो यहां बता रहा हूं दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ, चौथा बता रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ यू बटे वी, अर्थात यू क्या है एफएक्स है, वी क्या है जीएक्स है, देख लो यहां से, तो मैंने वो इसीलिए लिए हैं ताकि मैं एफएक्स बटे जीएक्स लिखूं तो कितना जोर है जिंदगी में, तो यहाँ देखो ना कितना आसान है। अब मैं देखो करना पूरे सूत्र को ध्यान से समझिए, देखो जब प्रॉपर्टी बटे में है तो उत्तर भी बटे में आएगा, प्रॉपर्टी बटे में है तो उत्तर भी दोस्तों बटे में आएगा, तो यहाँ उत्तर भी बटे में आएगा तो बटे में आएगा। अब क्या हुआ वी नाराज हो गया बोला मैं नीचे हूं यार यू तो ऊपर है, ऊपर है उसकी चलती है नीचे वाले की चलती नहीं, तो यू वी बेचारा बोला कि अरे यू तू तो ऊपर है मैं नीचे हूं, तो बोला एक काम कर तू तेरा स्क्वायर करवा ले, तो वी स्क्वायर हो गया, तो यू ने बोला
वी तू ज्यादा स्याणा है क्या? बोला क्यों? बोला तूने तो तेरा स्क्वायर करवा लिया, मेरा क्या होगा? बोला एक काम कर, मैंने स्क्वायर करवा लिया ना, तो तू तेरा अवकलन करवा ले पहले वी डैश जो यू डैश डॉट वी। बोला मैं देख यहाँ शाना शाना आ गया हूँ, तू तेरा अवकलन करवा ले। अर्थात क्या कहना चाहता है, यू बटा वी जब समझ रहे हैं, सबसे पहले नीचे वी स्क्वायर कर दिया क्योंकि वी की बेचारे की चल नहीं रही थी। जैसे ही वी स्क्वायर हुआ यू नाराज हो गया, बोला तू तो स्क्वायर करा लिया अब मैं क्या करूं? तो बोला तू पहले तेरा अवकलन करवा ले, इसलिए यू डैश गुणे वी फिर माइनस का चिन्ह। तो भाग में माइनस आता है और गुणे में देखिए प्लस आता है, क्यों इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा। फिर वी ने बोला यार मैं स्क्वायर हुआ तो तू नाराज हो गया, अब तेरा पहले अवकलन करवा दिया अब मेरा भी तो कुछ करवा। तो बोला अब तू तेरा अवकलन करवा ले, तो यू बोला मैं स्याणा स्याणा है जैसे आ जाता हूं और वी डैश अर्थात वी तू तेरा अवकलन करवा ले। तो ये सूत्र है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, मैं इसके डिब्बा बना देता हूं। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है, मैंने डिब्बा बना दिया है, ये सूत्र आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब देखो आगे आपको मैं फिर बताता हूं, आगे मैं आपको फिर बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि आगे मैं फिर आपको बताता हूं दोस्तों। ये चार प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है, ये चार प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई है दोस्तों, आपको ये चार प्रॉपर्टी समझाई है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी फिर वापिस से सिखा दूंगा कुछ और। पांचवी प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ एक्स, लिख दूं सी एफ एक्स, यानी यहां सी क्या है, ये देखो सी अचर है तो ये सी बाहर आ जाएगा भाई, सी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, समझ गए मेरी बात, मतलब अचर गुणा में होता है तो अचर बाहर आ जाता है। अब ये आपको मैं हाईलाइट कर करके याद करवाता हूं। देखो ये यू प्लस वी तो अलग अलग हो जाता है, यू डैश प्लस वी डैश, डायरेक्ट ये याद रखिएगा, यू डैश प्लस वी डैश, यू माइनस वी है, ये देखिए दोस्तों यू माइनस वी है तो इसका यू डैश माइनस वी डैश। जब भी बार सारे का अवकलन होता है तो अलग अलग का अवकलन हो जाता है, जोड़ है तो जोड़ माइनस है तो माइनस, गुणा U डॉट V का अवकलन करवाना चाहते हैं, U डॉट V का अवकलन करना चाहते हैं तो U V का अवकलन प्लस V U का अवकलन, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब U बटे V का अवकलन करते हैं तो V स्क्वायर यू डैश V माइनस यू वी डैश, देखिए दोस्तों फिर याद करवा देता, U बटे V करते हैं तो सबसे पहले U बटे V में V नाराज था, वी ने बोला अरे यू तू ज्यादा होशियार है क्या? बोला क्यों? तू ऊपर आ रहा है मैं तो नीचे आ रहा हूँ, तू ज्यादा ज्यादा होशियार हो गया आजकल। तो बोला कि एक काम कर रे, तू एक काम कर, तू पहले तेरा अवकलन करवा ले। तो यू डैश वी आ गया, तो यू डैश वी आ गया और फिर यू वी डैश आया, तो फिर इसका अवकलन पहले हुआ और फिर बोला कि तेरा भी अवकलन हो गया तो फिर मेरा तो अब तो करवा दे। बोला हुआ करवल कर ले ठीक है। और सी एपेक्स मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों सी अचर है, सी एफ एक्स यानी ये सी बाहर आ गया और ये एफ एक्स का अवकलन कर लो। बोला डी बाई डी एक्स ऑफ सी गुणे एफ एक्स है तो एफ एक्स एक्स का फलन है तो उसका अवकलन करना है, अचर को बाहर ले सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है। अब तुम्हें एक राज की बात बताता हूं, इधर देखो इधर कहां देख रहे हो भाई, जब अमूल्य चीज आपके सामने है आप किधर देखे जा रहे हो, इधर देखिए मैं कह रहा हूं इधर देखो प्लस था, इधर प्लस था तो प्लस आया, यहाँ माइनस था तो माइनस आया, गुणा था तो प्लस में चेंज हुआ और भाग था तो माइनस में चेंज हुआ। ये यही नहीं दुनिया की अवकलन समाकलन लघुगणक घातांक सब में यही होता है। देखिए दो चीजें जब आधार गुणा हो रहे तो घाते जुड़ती है, समाकलन में ऐसा होता है, लघुगणक में भी गुणा होता है तो जुड़ते हैं, जोड़ होता है तो गुणा, ये गुणा जोड़ में भाग माइनस में कैसे परिवर्तित होता है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो भी मैं कहानियां बता रहा हूँ सब इमेजिनरी कहानियां हैं, किसी भी किरदार पर नहीं है, तो आप कभी बुरा ना माने कुछ मैं चीज बोल देता हूँ तो, क्योंकि ये मैंने कहानियां इमेजिन कर करके बनाई है ताकि मैं आपको वो गणित का सारा कंसेप्ट सिखा सकूं।
देखो गुणा को देखो, ऐसे ऐसे देखो दोस्तों, ये प्लस जैसा दिख रहा है, अतार्थ ये प्लस आया, और भाग में दूर से देख रहा हूं, देखो ना मेरे तो चश्मा लगा तो दूर से ये डॉट दिखाई नहीं देते। कौन से डॉट? दूर से दोस्तों ये डॉट दिखाई नहीं देते, दूर से ये डॉट दिखाई नहीं देते ये वाले, तो इसलिए डॉट हट गया था तो माइनस में चेंज हो गया। ये कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताई है दोस्तों। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी, गुणधर्म और सूत्र बता दिए हैं, तो आप इनका, आप इनको ध्यान से देख सकते हैं और नोट भी दोस्तों कर सकते हैं। नोट करना चाहते हैं तो आप या तो 7 नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो एक काम कीजिए, अभी सिर्फ समझने पर कंसंट्रेट कीजिए, दोबारा इसको पढ़ो और उस टाइम लिखो, है ना, क्योंकि समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, तो उसको पहले समझो। अब दोस्तों अपन कुछ उदाहरण ले रहा हूं, अर्थात अब क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, अवकलन के बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अवकलन, इसका अवकलन करना है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका अवकलन करो। ये प्रश्न है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अवकलन करो। देखो अब ऐसे मत कह देना, ऐसे मत कह देना कि सर यहाँ तो u प्लस v प्लस w है, जैसे u और v होता था दोस्तों वैसे ही w होता है, u और v जैसे होता है तो वैसे ही w, तो यहाँ du u डैश प्लस v डैश प्लस w डैश जितने हैं, तो देखो ये अलग अलग हो जाएगा, अर्थात d बाई डी एक्स ऑफ क्या रे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पर, तो ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 5x और फिर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ ये 6। अब देखिए दोस्तों और बताता हूँ, x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, देखो इसकी घात 2 है, 2, ये 2 घात है, ये आगे आ जाती है 2 और ऊपर 1 कम घात, 2 में से 1 गया तो x की घात 1 लिखने की जरूरत नहीं। 5 ये अचर है, तो देखिए ये बाहर आ जाता है, यहाँ चुपचाप यहाँ आ जाएगा, तर 5 और x का अवकलन कितना 1, x का अवकलन 1 होता है, 5 गुणे 1 5 ही होता है, और आगे 6, 6 का अचर है, अवकलन 0 होता है, तो 0, तो उत्तर इज 2x प्लस 5। दोस्तों ये आज तो मैंने इसे सरल किया, आज के बाद डायरेक्ट करोगे एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 6 का 0, तो 2x प्लस 5। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स की पावर बटा हो, बटा यानी 20 हो, तो उत्तर 20x19 भाई, घात आगे रे एकम, यही तो सूत्र था, तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x, अवकलन कर रहा हो, 5x का कितना, तो 5 तो अचर है इसलिए बाहर आ गया, x का कितना, x की घात 1 अर्थात 1 आगे आ गया, x की पावर 0 1 अर्थात x का 1 ही होता, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, जो x होता है उसका अवकलन दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एक छोटा सा प्रश्न बताया, और मान लो तुम्हारे एक दिक्कत आ रही होगी, तुम सोच रहे हो सर ये तीनों जुड़ने और घटने में तो क्या पता, आपने u डॉट v, u प्लस v कराया तो u डैश प्लस v डैश आ गया, u डैश माइनस v डैश कराया तो माइनस आ गया, मान लो तीन होंगे तो प्लस माइनस कर देंगे, गुणा में कैसे होगा, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ तीन फलन हो जाए, मान लो u v w, तो इसको कैसे करें, तो इसका भी सूत्र बता देता हूं। देखो पहले u और v को कह दो तुम शाने शाने रो, w का अवकलन होने दो, प्लस अब u भी नाराज, बोला w तू ज्यादा शाना है क्या, तेरा अवकलन हो गया, तो बोला u और w को है जैसे रहने दो, v का अवकलन करवा दो। अब u भाई साहब, U बहुत ही गर्म हो गया, बहुत गुस्सा आ गया, बोला W तूने भी अवकलन करवा लिया, V तूने भी करवा लिया, मेरा कब होगा, बोला W V तुम शाने शाने बैठो, इस बार V का अवकलन होने दो। तो ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी आप दोस्तों याद रख सकते हो, तो ये भी तीन का है, तो मैंने बता दिया है भाई तीन वाला भी है ना, तो इसी प्रकार से अपन करते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड प्रश्न करते हैं, देखिए पहले मैं प्रश्न लिख देता हूँ और फिर उत्तर बताऊंगा, उसमें कुछ चीजें बताऊंगा दोस्तों। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये परीक्षाओं में आए हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या फिर महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। देखो
साइन एक्स स्क्वायर का आकलन कीजिए, साइन एक्स स्क्वायर का आकलन करना, साइन एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये देखो आपको दिख रहा है संयुक्त फलन है, कंपोजिट फलन है, जानते नहीं तो कोई बात नहीं, एक से अधिक फलन जिस प्रश्न में होता है उसको संयुक्त फलन या कंपोजिट फलन दोस्तों कहा जाता है। मैं आपको दोस्तों बताऊं तो संयुक्त फलन में क्या करना, आप तो बस फलन कितने हैं वो गिन लो। देखो गिनने कौन कौन से, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन, फिर गिनने हैं त्रिकोणमितीय भी गिनने हैं, त्रिकोणमितीय। भाई एक फलन दो बार आता है तो दो गिनती में दो गिनना है ना, मैंने को नंबर ऑफ फलन चाहिए। ये भारत में कोई भी टीचर या कोई भी परीक्षा पूछेगी नहीं कि कितने फलन है, ये मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इन प्रश्नों को करने के लिए चेन रूल श्रृंखला नियम का पालन करना किया जाता है, जिसमें यू वी एक्स वाई मानकर करते हैं। दोस्तों मैं समझता हूं पहले मानो फिर भगाओ, तो मानना उसी को चाहिए जिसका रिश्ता निभा सको, पापा को पापा, मम्मी को मम्मी और गुरुजी को गुरुजी मानो, बाकी कुछ भी मानने की जरूरत नहीं। तो आप सीधे गिन लो, बहुपदीय फलन हो गए, त्रिकोणमितीय फलन हो गए, वैसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएंगे, वैसे ही आपके और कौन सा फलन हो जाएगा, चर घातांकी फलन, चर घातांकी वाले, और वैसे ही लघुगणक वाले, लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, ये चार। और इसके अलावा चर फलन होता है, अचर फलन नीचे लिख देता हूं, अचर फलन होता है लेकिन उसको गिनना नहीं है, क्योंकि अचर का अवकलन तो शून्य होता है और गुना में अचर होता है बार होता है, तो अवकलन से उसका लेना देना ही नहीं है, इसलिए अचर फलन को गिनना ही नहीं है दोस्तों। और ये एक अंडरूट वाला फलन, अंडरूट वाला फलन, अंडरूट वाला कोई फलन नहीं होता, अलग से नाम नहीं होता, लेकिन यहाँ गिनने में अचर फलन, बोला बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, चर घातांकी फलन, लघुगणकीय फलन को गिन लिया, तो अचर फलन को क्यों नहीं गिना, तो बोला अचर तेरा अवकलन शून्य होता है और जब तू गुणा में होता है तो बाहर आ जाता है, तो फिर मेरी जगह कौन भरेगा, बोला तेरी जगह एक फर्जी अंडरूट वाले को गिन लेते हैं। तो गिनना कितने को दोस्तों, ये इतने वालों को ही गिनना है, ये इतने सारू को ही गिनना है दोस्तों, इतने सारू को ही गिनना है, अचर को नहीं गिनना। तो ध्यान से रख लीजिए, पूरा ध्यान दिमाग यहाँ पर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखो कितने फलन, पूरा सिखाऊंगा दोस्तों आपको, हर चीज सिखाऊंगा, कितना फलन, यहाँ पर देखिए दो फलन है, एक देखिए पहले इधर से अटैक करना है, क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स अपने को यहां से करना है, इस प्रश्न का डी बाई डी एक्स यहां से करना है, तो दोस्तों इधर से अटैक किया तो पहले त्रिकोणमितीय फलन आया, तो ये पहले त्रिकोणमितीय फलन है, फिर ये एक्स स्क्वायर, ये बहुपदीय फलन है, यहाँ ओनली एक्स हो तब छोड़ देना, मत मानना एक्स्ट्रा, क्यों, एक्स का अवकलन एक होता है और एक्स की जगह माइनस एक्स, ए एक्स, ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर, या एक्स की घात कुछ भी, या एक्स के गुणा में कुछ भी, या एक्स के भाग में कुछ भी, या माइनस एक्स, तब जरूर उसको बहुपदीय फलन माने। यानी जिस भी चीज की, चाहे वो एक्स हो, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे कुछ भी हो, जिसकी घात दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, तो उसमें x की घात n वाला अर्थात बहुपदीय फलन भी गिनना है। ध्यान से सुन लो, जिसकी घात दो से अधिक है उसमें बहुपदीय, दो या दो से अधिक है तो उसे बहुपदीय फलन भी गिनना है दोस्तों। देखिए कैसे, अब मैं इसका करने वाला हूं अवकलन, तो अवकलन करो। अब मैं तुम्हें एक बात और सिखाऊं दोस्तों, जब भी अवकलन करते हैं, जब भी अवकलन करते हैं तो ये देखो इसमें कितने फलन, दो फलन, त्रिकोणमितीय फलन और बहुपदीय फलन, देखो दो पद है दोस्तों, तो जब नीचे वाले को कर रहे हैं दोस्तों, जब पहले ये एक फलन है, ये दो फलन, इसमें दो फलन है, एक त्रिकोणमितीय, एक फलन, पहले इधर से शुरू करना, क्योंकि डी बाई डी एक्स इधर से करना है, तो डी बाई डी एक्स इधर अटैक करेगा, तो इसको जो भी है उसका अवकलन करो और आगे वाले को बड़ा एक्स रखो, बड़ा एक्स मान लो, जो जो भी है बाटा मान लो, बाटा, बड़ा एक्स छोड़ो, माने क्यों, बाटा है ये पर, तो कोई फलन बाटा, उसका जो भी उत्तर है वो लिख दो, वो लिख दो, और फिर उस बाटा का कर लो, अर्थात बाटा पर, जैसे देखो कैसे, मैं इसको विस्तार से बताता हूं, देखो डी बाई डी एक्स हो, डी बाई डी एक्स हो, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, साइन एक्स स्क्वायर, अब देखो इसको सरल करना चाहते, मुझे आप एक बात बताओ, डी बाई डी एक्स इधर से अटैक करेगा ना भाई, इधर से अटैक करेगा,
तो पहले साइन के पास, तो इसको साइन भाटा मान लो, साइन एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं भाटा, तो ये साइन भाटा है, ये साइन भाटा है। बताओ साइन भाटा का अवकलन क्या? कोस भाटा। तो लिख देता हूं कोस भाटा, कोस भाटा, भाटा मतलब एक्स स्क्वायर, तो कोस एक्स स्क्वायर। फिर गुणे, फिर डी बाई डी एक्स, ये साइन एक्स स्क्वायर पर्सन है, तो बोला साइन तेरा काम हो गया रे, तो डी बाई डी एक्स आ गया, टेक करेगा यहां आ गया, तो ये पीछे वाले को भूल जाओ, हमेशा एक्स हो जाता है ना, जो एक्स प्रेसिडेंट था, एक्स था, एक्स को हमेशा भूल जाओ, तो पीछे वाले को भूल जाओ। इसमें मैं जब क्लासरूम में भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी, तब भी मैं कहता रहता हूँ कि भाई आगे वाले को भाटा या बड़ा एक्स मान लो, पीछे वाले को सदैव भूल जाओ। तो ये देखो इसको भूल जाओ, और फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो यहाँ लिखने वाला हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ, आगे देखो साइन का तो हो चुका, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन कौन? कोस एक्स स्क्वायर को लिख देता हूं दोस्तों एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता। अब देखो यही उत्तर है, लेकिन 2x बेचारा छोटा, और कोस वाला देखो कितना बड़ा है, तो छोटे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो इसको घर की साइड अर्थात बराबर की साइड लिख दो, 2x कोस एक्स स्क्वायर। देखो छोटा कोष्टक भी लगा सकते हो, या मंजिला भी लगा सकते हो, या नहीं भी लगा सकते हो दोस्तों, ये डर वर नहीं लगता, ये तो मैंने कहा ना, कहानियां मैंने बना रखी है, इमेजिनेशन है, डर नहीं मतलब यहाँ पे पता नहीं कि ये 2x एक्स स्क्वायर से गुणा है या पूरे फलन से गुणा है, इसलिए पहले लिख दिया अर्थात पूरे से गुणा है, और ये अपना आ गया है उत्तर, जो यहाँ पर ये उत्तर आ गया अपना, क्या उत्तर आया दोस्तों? 2x cos x स्क्वायर, ये देखो इसका उत्तर आ गया। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या सर? आपने बोला पहले तरीके बताऊंगा फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो ध्यान से दोनों को हाईलाइट किया, ध्यान से देखे, मैंने कहा था जितने फलन उतने स्टेप में उत्तर। देखो यहाँ पे एक स्टेप तो 2x है, और एक स्टेप तो देखो 2x है, एक स्टेप ये है, दो स्टेप में उत्तर आया, देखो दो ही फलन थे, तो डायरेक्ट करो इसको। देखो पहले साइन को करता हूं, पहले देखो इससे सिखाता हूं, पहले साइन को लेता हूं, पहले साइन को लेता हूं, तो आगे वाले को भाटा माने, पीछे वाले को भूल जाए, तो पहले तो पीछे कोई है ही नहीं, साइन भाटा, तो उत्तर इज कोस भाटा। देखो ये आ गया कोस भाटा, ये देखिए कोस भाटा, ये कोस भाटा, फिर भाटा का एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x दोस्तों, तो आ गया डायरेक्ट उत्तर। यदि ऐसे भी नहीं पता तो यूं बताओ, अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं, राम चलता है, ता है, ती है, लास्ट में देखते हो चलना, पहले देखते हो उल्टा पढ़ते हो, तो इसमें भी उल्टा पढ़ो, पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन कर लो 2x, फिर साइन एक्स स्क्वायर का, साइन बाटा का, कोस बाटा एंड कोस एक्स स्क्वायर, उत्तर इज 2x कोस एक्स स्क्वायर। फिर भी नहीं समझ में आया तो दोस्तों मैं हूं ना, तो अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपन मैं आपके बीच में लिख रहा हूं, है ना, अगला प्रश्न में दोस्तों आपके बीच में एक अच्छा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके बीच में मैं दोस्तों लिख रहा हूं, टेन 2x प्लस 3। बताइए कमेंट के माध्यम से यदि कर पा रहे हो तो बताइए कितने फलन है, टेन 2x प्लस 3 है, टेन 2x प्लस 3 है, 10 है भाई, 10 है, वापिस लिख देता हूं, आप कहो तो वापिस लिख देता हूं, ये टेन 2x प्लस 3 है, ये 10 है, ये टेन 2x प्लस 3 है, तो बताइए इसका अवकलन कैसे किया जाए, टेन 2x प्लस 3 में कितने फलन, फिर लिख देता हूं भाई, ये देखो प्रश्न में टेन 2x प्लस 3 है, बोलो कितने फलन, इधर से देखो इसका क्या करना, अवकलन करना है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका अवकलन करना है, तो देखिए इसका अवकलन अपने को करना है, इसका मतलब इसमें दो फलन है, देखो डी बाई डी एक्स इधर से देखेंगे तो मैं देख कर बताता हूँ कितने फलन है, तो देखिए दोस्तों इसमें कितने फलन है, देखो एक तो त्रिकोणमितीय फलन है, ये टेन वाला इधर से देखा था, फिर आगे गया ये एक्स प्लस बी फॉर्म में, अर्थात ये बहुपदीय फलन है, दो फलन है, तो डायरेक्ट उत्तर लिखना चाहूं दोस्तों, तो डायरेक्ट उत्तर लिखना चाहूं तो देखो डायरेक्ट उत्तर क्या, डायरेक्ट उत्तर शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र से लिखना चाहूं, शॉर्ट ट्रिक यानी ब्रह्मास्त्र से लिखना चाहूं दोस्तों, यानी ब्रह्मास्त्र से लिखना चाहूं दोस्तों, तो उत्तर होगा देखो उधर उल्टा देख लो, 2x प्लस 3 का कितना, 2x का 2, 3 का 0, 2 प्लस 0 यानी 2 तो वो वाला, फिर 10 भाटा, 10 भाटा का sec स्क्वायर भाटा यानी sec स्क्वायर और भाटा मतलब 2x प्लस 3, ये उत्तर आने वाला है, अभी करके देख लेंगे, अभी करके देख लेंगे कैसे,
देखो इधर से किया तो पहले 10 बटा का सेक स्क्वायर बटा, तो ये सेक स्क्वायर बटा, फिर ये बटा का क्या, तो यहाँ आ गया तो 10 को तो भूल जाना, मैंने कहा x को भूल जाओ बहुत दिक्कत देता है जिंदगी में। 2x प्लस 3 में दोस्तों 2x का 2, 3 का 0, तो 2 यानी 2 को फिर डर लगता है इसलिए आगे आ गया, तो मैंने उल्टे क्रम में देख लिया, या फिर आप अज्यूम कर लो 2 को बाद में लिख लेना कि 10 बटा का सेक स्क्वायर बटा और 2x प्लस 3 का 2, तो वो इधर ना लिख कर इधर लिख दो। अब इसको सरल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, सरल करके देख लेता हूं भाई, है ना, तो आंसर करते हैं। अब देखिए दो फलन, तो d by dx of अपने को करना है 10 2x plus 3, तो सबसे पहले दो फलन दो ही स्टेप में उत्तर आएगा, देखो ये दो स्टेप में उत्तर आया एक और दो, यही मैं कहना चाहता हूं। अब देखिए इसको करें तो d by dx of 10 बटा तो sec स्क्वायर बटा, अर्थात sec स्क्वायर बटा मतलब 2x plus 3, फिर d by dx आगे अटैक करेगा, बोला 10 तेरे काम हो गया रे, बोला आगे जा रहे, तो यहाँ आ गया d by dx, यहाँ आ गया d by dx, देखो ये डॉट दिख रहे, यहाँ आ गया, फिर x को तो भूल जाओ, ये 10x को भूल जाओ, पीछे वालों को कोई मतलब नहीं, आगे जिंदगी में ध्यान दो, तो आगे इसको कौन 2x plus 3, तो यहाँ गुणे d by dx of दोस्तों क्या लिखना चाहूंगा 2x plus 3। अब इसका डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो इधर करके बता देता हूँ। देखो d by dx of 2x plus 3 का करना है तो देखो ये u plus v वाला सूत्र लग रहा है, अर्थात d by dx of 2x plus d by dx of 3, ये 3। अब 2x का कितना, देखो 2 तो अचर है, बाहर ले लो, x का 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, गुणा में 1 का क्या फायदा, तो 2 प्लस 3 अचर है, अवकलन शून्य, अर्थात 2 प्लस 0 2 आएगा, तो इसका अवकलन आएगा sec स्क्वायर 2x plus 3, तो ऊपर से है जैसे उतार लिया 2x plus 3 को दोस्तों, जो 2x plus 3 है उसका 2 लिख दिया, समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। अब देखिए दो को डर लग रहा है, डर इसलिए लग रहा है कि ये गुना पूरे से गुना है या 2x plus 3 से, भाई इतने से गुना है या पूरे से गुना, तो 2 को आगे लिख लिया, तो 2 sec स्क्वायर 2x plus 3 दोस्तों। देखिए अब मैं आपको फिर बताना चाहूँ, देखिए उत्तर क्या आया 2 sec square 2x plus 3, देखिए शॉर्ट ट्रिक से भी यही आया। अरे सर 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 क्या हुआ सर, ये तो सेम टू सेम आया सर, ये तो सेम टू सेम आया। हाँ भाई सेम टू सेम आया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हैं, यदि आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो आगे के उत्तर अपन डायरेक्ट ही लिखे, है ना, आगे के उत्तरों को हम थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे अगला प्रश्न दोस्तों मैं ले लेता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इससे लिख देता हूँ, ये अगला क्वेश्चन भाई अवकलन करना है, यानी d by dx of किसका करना है, प्रश्न है बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, तो एक काम करता हूँ बड़े कोष्टक लगा लेता हूँ, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ, अवकलन कीजिए, ये d by dx लिखने का भी जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर है साइन है ना, कोस एक्स स्क्वायर, भाई प्रश्न में कोष्टक आ भी सकते हैं, कितने फलन गिनना स्टार्ट हुआ, देखो गिनना में मैं ये हाइलाइटर से बता देता हूँ, देखो पहले इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से अवकलन करना, तो देखो एक त्रिकोणमितीय फलन, एक फलन, फिर कोस आया, दूसरा त्रिकोणमितीय फलन, तो दो हो गए, ऐसे नहीं कि त्रिकोणमितीय आ गया गिनना नहीं है, दो फलन और फिर एक्स स्क्वायर यानी बहुपदीय फलन, तीन फलन, तो प्रश्न में तीन फलन है, तो तीन स्टेप में उत्तर आएगा, पहले साइन भटा का होगा, फिर थोड़े आगे चलेंगे, अर्थात कोस भटा का होगा, साइन को भूल जाएंगे, एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, ध्यान से देखें, पहले साइन भटा का होगा, फिर कोस भटा का होगा, फिर एक्स स्क्वायर का होगा, समझ आया, यदि आपको मेरी बातें समझ आई तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से उत्तर बताओ, इसका क्या करना दोस्तों, प्रश्न कह रहा है इसका अवकलन करें, यानी इसका d by dx हो, इसका अवकलन पूछा है, प्रश्न ने इसका अवकलन पूछा है। अब शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है दोस्तों,
शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, यानी शॉर्ट ट्रिक से बताऊं, शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा टी ए की लिखा कोई बात नहीं, है भी तो शॉर्ट ट्रिक, यानी ब्रह्मास्त्र। दोस्तों जैसे जैसे मुश्किल आएंगे मैं अपनी म्यान में से खतरनाक खतरनाक ब्रह्मास्त्र निकालने वाला हूँ। देखिए आप जैसे प्रश्न डी बाई डी एक्स इधर से है तो आप इधर से देख रहे हो, इधर से तो आप, मैंने अंग्रेजी का रूल बताया भाई, उल्टा भी देख सकते हैं तो मैं उल्टा भी देख सकता हूं दोस्तों। तो देखना उत्तर मैं लिख रहा हूं, देखिए इधर से देखो या उधर से, किधर से, या लिखो उधर से देखो इधर से, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या 2x, तो मैं यहां लिख लिया 2x। देखो मैं उल्टा लिख रहा हूं, उल्टा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का, फिर कोस एक्स का क्या साइन बटा, साइन बटा यानी को का माइनस साइन बटा, यानी साइन एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस का चिन्ह, फिर साइन बटा पूरे का तो कोस बटा, यानी कोस बटा मतलब कोस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया दोस्तों उत्तर। तो यही उत्तर आने वाला है थोड़ी देर में, देख लेंगे क्या यही आएगा क्या। अब इसको इधर से भी देखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो साइन और आगे वाले को बटा मान लो, तो साइन बटा यानी कोस, कोस देखो कोस और ये बटा है जैसे, फिर साइन तेरा काम हो गया तो साइन को कह दो तेरा काम हो गया, डी बाई डी एक्स यहाँ आ गया, फिर कोस बटा यानी माइनस साइन बटा, तो देखो ये साइन बटा ये माइनस, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर यहाँ आ गया मतलब इनको पुराने वालों को भूल जाओ, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2x और ये माइनस तो को के कारण से आया है। अब देखो मैं दोस्तों आपको बताऊं, दोस्तों मैं आपको बताऊं, अब देखिए अब इसी प्रश्न को मैं आपके आगे सरल करने वाला हूं, एक एक बार और इतना क्यों सरल करते हो सर, फिर भी सरल कर देता हूं भाई, आंसर हल को कहा जाता है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक एक बार और हल कर देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कोस एक्स स्क्वायर। सर एक बात दिमाग में आ रही है सर, हम साइंटिस्ट है सर, क्या सर देखो यहां दो कोष्टक तो तीन फलन भाई, दो से एक अधिक फलन, यहां देखो सर दो एक कोष्टक तो दो फलन, ऐसे होता क्या, नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं आता तो कोष्टक से एक अधिक फलन होता है, फिक्स नहीं है, लेकिन नहीं होने से अच्छा है कि थोड़ा कुछ जानना, लेकिन ये गलत है ना, 100% सत्य नहीं है। तो आप तो ऐसे फलन देख ले, यदि नहीं देख पा रहे हो तो कोष्टक जितने लगे रहते हैं उनसे एक अधिक, कभी कभी वो गलत भी हो जाता है, इसलिए मैं वो सजेस्ट भी नहीं करता, आपके माइंड में आ रहा है इसलिए मैंने बताया है, जरूरी नहीं है, तो आप तो ऐसे ही गिने। अब देखो इसको करना चाहते, सबसे पहले अटैक इस पर किया तो साइन और इसको पूरे को बटा, ये पूरा बटा, तो साइन बटा का आ गया कोस बटा, अर्थात बटा इज कुछ नहीं जो बचा कोस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आगे अटैक हो गया, साइन तेरा काम हो गया तो आगे जाओ डी बाई डी एक्स ऑफ ये कोस एक्स स्क्वायर। अब ये अवकलन करना चाहते हैं तो ये तो है जैसे उतारो, तो ये लो है जैसे उतार दिया कोस एक्स स्क्वायर, चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, चाहो तो नहीं भी लगा सकते। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ इसको देखो तो ये कोस का होगा, आगे जो है वो बटा, कोस बटा होता है माइनस, देखो यहाँ तो गुणा है, ये माइनस तो इसमें आया है चिन्ह है, तो इसको माइनस को मैं ऐसे माइनस को कोष्टक में लिख देता हूँ, माइनस ये साइन और ये बटा, अर्थात साइन एक्स स्क्वायर जो बटा है वो बटा लिख दो, ये वाला ये है भाई माइनस के कारण ये ब्रैकेट लगाया, फिर और गुणे, फिर कोस तेरा भी काम हो गया, फिर देखो साइन का भी काम हो गया, कोस का भी काम हो गया, अब एक्स स्क्वायर का, और पुराने को भूलते जाओ, एक्स को सदैव भूल जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो तीन स्टेप हो गए, एक स्टेप दो स्टेप और ये वाली तीन स्टेप, सरल कर दो, तो सरल करेंगे तो ये आया कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर भाई, इसको तुम वो बटे मत समझ लेना, ये मैंने आपको बताने के लिए ऐसा बताया, इट इज नॉट बटे, तुम बटे मत समझ लेना इसको। अब देखो कोस एक्स स्क्वायर ये आ गया, ये दूसरा है माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और ऐसे नहीं ये माइनस है तो गुणा, ये माइनस तो बस कुछ नहीं है, दूसरा कोष्टक लगा दो लो, और ये एक्स स्क्वायर का 2x। अब ये छोटे वाले डर रहे हैं, देखो सबसे बड़ा ये कंपोजिट फलन, तो इसको ऐसे लिख दो, कैसे इस उत्तर को 2x को पहले लिख दो 2x और माइनस का चिन्ह, और फिर साइन एक्स स्क्वायर लिख दो साइन एक्स स्क्वायर, और कुछ नहीं किया, बस छोटे फलनों को पहले लिख लिया, छोटा मतलब जिसमें कम पद है, तो मैं इनको कहता रहता हूँ कि डर लग रहा है, इसलिए ये देखिए ये अवकलन।
अब मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ क्या ये सेम टू सेम आया गया। माइनस दो एक्स साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर मेरे ब्रह्मास्त्र से आया, इससे देखो रे, इससे देखा तो माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर सेम टू सेम मास्टर, इतना तो कोस कोस एक्स स्क्वायर। सर सर क्या हुआ सर, ये तो सेम टू सेम आया, तो आपकी शॉर्ट ट्रिक तो सदैव उपयोगी। हाँ, तो तरीके क्यों बता रहे हो? बोर्ड परीक्षा के लिए तरीके बता रहा हूँ, और तरीकों का जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। तरीका पता नहीं तो कैसे काम चलेगा? थ्योरी और तरीका पूरा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यदि आपके पास समय है तो मैं और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसलिए शॉर्ट ट्रिक प्रतियोगी परीक्षा जैसे एनडीए जेई मेन जैसे एग्जाम में, या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड गणित के एग्जाम में, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बोर्ड को छोड़कर जा तरीकों से करने की बाध्यता नहीं हो। ऑप्शन वाले एबेसेडे वाले बहुविकल्पात्मक प्रश्न हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, समय की बचत अपन कर सकते हैं। तो मेरी म्यान में सालों साल वर्षों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद कुछ निष्कर्षों से मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। खुद द्वारा बनाई गई शॉर्ट ट्रिकें काजू बादाम की तरह सीधे आपको पेश कर रहा हूं। आपको तो सोचना भी नहीं है, सिर्फ मेरी शॉर्ट ट्रिकों को समझना है दोस्तों। तो इतना सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ सीधा बांट रहा हूं, वो भी आपको देख रहे हो कितना आराम आराम से। तो शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं, तरीके भी बता रहा हूं, थ्योरी भी बता रहा हूं। अब अपन आगे के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक आपको यदि समझ में आई तो उससे करने की कोशिश करते हैं। जैसे कैसे अगला प्रश्न, भाई आपको समझ में आई तो अच्छा बोले भाई कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो अगला है d by dx ऑफ भाई इसका अवकलन बताना है। किसका बताना है या अवकलन बताइए, d by dx की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि अवकलन बताइए, या एक बार प्रश्न को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखता हूं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करो, का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन करो। यहां पर गणित में हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 उसमें लिखा आएगा डिफ्रेंसिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करो। तो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं तो आप आराम से देखें। मैं लिख हिंदी में रहा हूं लेकिन सारी टर्म में इंग्लिश में भी बता रहा हूं। अवकलन को डिफ्रेंसिएशन कहते हैं, एक्स के सापेक्ष मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको करने के लिए देखो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ हल कर रहे हैं, हल डी बाई डी एक्स ऑफ आंसर कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां देखो ऐसे करेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 कितने फलन साहब, दो फलन इसका अवकलन। अब देखो डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए साइन भाटा का क्या होता है, कोस भाटा, यानी कोस भाटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर साइन का काम हो गया, यानी दूसरा दो फलन है इसमें, कितने फलन है, एक साइन वाला एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 एलजेब्रिक फंक्शन यानी पॉलिनोमियल बहुपदीय फलन। एक्स स्क्वायर का 2x होता, 5 का 0 होता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन आप अलग से करके देख लीजिए 2x होता। अब 2x को इधर रखू फिर उधर लिखू, इससे अच्छा सीधा इधर ही लिख देता हूँ, 2x गुणा में भाई फर्क नहीं पड़ता। तो यही आंसर है, आपको समझ में आया होगा मेरी बात। और इसको भी हल करना चाहते हो तो कैसे करेंगे भाई, इसको भी हल करना चाहते हो तो हल ऐसे करेंगे भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बटा, तो यहाँ लिखेंगे कोस बटा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मंजिले कोष्टक लगाने की मेरी आदत बन गई है, जरूरी नहीं है आप मंजिला कोष्टक लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए दोस्तों ये दो स्टेप में उत्तर। तो आगे सरल करें तो कोस ये छोटा लगा देता हूँ, देखो भाई मंजिला कोष्टक मेरी आदत है इसलिए लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x, एक्स स्क्वायर का 5 का 0, 2x प्लस 0 इसको शुरू में लिख देते हैं, बेचारा डर रहा है, तो 2x गुणे डॉट मतलब गुणे कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो डॉट का कंसेप्ट बताता हूं, दो नंबर के बीच में डॉट लिखा है तो गुणा है, या डॉट लिखा मतलब पॉइंट है, दो वेरिएबल के बीच में डॉट या लगा वो गुणे ही है,
है ना, दोनों एक साथ नहीं, ये तो अनुपात बन जाएगा, यहाँ या यहाँ लगा है तो वो गुणे होता है। तो मेरी बातें समझ आ रही है आपको? तो ये प्रश्न का दोस्तों उत्तर। और देखिए अब ये आने वाला उत्तर 2x cos x स्क्वायर, ये वाला उत्तर आपका, ये वाला उत्तर और शॉर्ट ट्रिक वाला उत्तर देखिए दोस्तों एक जैसा है, वो वाला उत्तर और शॉर्ट ट्रिक। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासेस चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।